हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगी 15 प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज। ये अलग अलग राज्यों से होंगी और यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो चलते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि सबसे पहली अपडेट आपको मिल सके वैकेंसीज की। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिखेगी, एक बार ज़रूर चेक करें। आपको अपनी स्टेट में, अपनी लोकेशन में जॉब ढूंढने में आसानी होगी। प्लेलिस्ट कैटेगराइज किया हुआ है रीजन वाइज और आपका स्टेट जिस भी रीजन में पड़ता है आप उसको चेक कर सकते हैं रेगुलरली। साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से ज़रूर जुड़ें। कई बार वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग थोड़ी बिजी रहती है, और आप वहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी, वहाँ पे रेगुलरली अपडेट हो जाता है। तो बढ़ते हम अपनी पहली एडवर्टीजमेंट की तरफ। पहली वैकेंसी आपकी गुजरात स्टेट से होगी, अहमदाबाद लोकेशन से, और यहाँ आप वैकेंसी देख सकते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश और संस्कृत के लिए होगी, क्लासेस 5 to 8 तक के लिए। आपको अप्लाई करना है यहाँ पे कोर हाउस ऑफ CG रोड, और यहाँ लोकेशन दी गई है। स्कूल आपका एकलव्य स्कूल होगा। ईमेल आईडी है eklavya@eklavya.org। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। अगली वैकेंसी दोस्तों हैदराबाद लोकेशन से होगी, और यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी जो स्कूल में आई हुई है। स्कूल है आपका आर्का ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, ये उपल कैंपस है उसका लोकेशन। और यहाँ वैकेंसी आप देख सकते हैं कोचेस की आई हुई है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। और यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन एडवाइज़र या फिर टेलीकॉलर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये, और बिलो 30 ईयर्स एज यहाँ पे लिखा गया है। और बाकी स्पोर्ट कोचेस के लिए बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्टेट और नेशनल लेवल में प्ले कर चुके हैं, खेल चुके हैं। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको मेल आईडी दी गई है, लेटेस्ट फोटोग्राफ और अपना CV सबमिट करें यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों ये होगी वशवी पब्लिक स्कूल, और इसकी लोकेशन हो जाएगी हैदराबाद से। और यहाँ आप वैकेंसी देख सकते हैं टीचर्स एट ऑल लेवल्स, सारे ही सेक्शन के लिए, प्राइमरी, मिडिल, हाई, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, तेलुगु, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर और स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा जो कि है आपका vpshyd.ac.in। आपको वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और सारे ही डॉक्यूमेंट्स के साथ, जेरोक्स कॉपीज डॉक्यूमेंट्स के साथ। लास्ट डेट इसकी हो जाएगी 21 फरवरी, और आपको सबमिट करना है टू दी अंडरसाइन, अंडरसाइन मतलब सेक्रेटरी को आपको सबमिट करना है। इसकी लोकेशन आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हैं दोस्तों, इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड है तो यहाँ लोकेशन और नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ईमेल के थ्रू अप्लाई नहीं करना है आपको यहाँ पे। बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी की लोकेशन हैदराबाद से हो जाएगी। स्कूल है आपका दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, ICSE स्कूल है, और यहाँ प्रिंसिपल की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स, BEd या MEd के साथ, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए मेल करना है CV और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज दिए गए ईमेल आईडी पे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गई है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पता कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए वीडियो की कंटेंट थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें। आपकी पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव अप्रिसिएशन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। अगली वैकेंसी आपकी लोकेशन हो जाएगी महाराष्ट्र स्टेट से, और स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया गया है 17 फरवरी का, और वैकेंसी जो है सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर, इंग्लिश और ज्योग्राफी के लिए होगी। आपको यहाँ वॉक इन इंटरव्यू में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। टाइमिंग 10 बजे की दी गई है। यहाँ पे वेन्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं, लोकल कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। ईमेल आईडी भी दी गई है, कोई भी इंक्वायरी है दोस्तों तो आप इस नंबर पे पता कर सकते हैं। अगर किसी वजह से अगर आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं पर्सनली,
आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जा सकती है या नहीं अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है। तो अभी जितनी भी न्यूज़पेपर की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, सब में वॉक इन या फिर आपका मेल के थ्रू दिया गया रहता है। जहाँ पे आपको वॉक इन का दिया गया रहता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है, तो आपको वो ज़रूर मौका देंगे। और फ्रेशर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, फ्रेशर्स आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक कवर लेटर ज़रूर अटैच करें। कवर लेटर से में आप अपने क्वालिफिकेशन, आपकी जो एक्सपीरियंस, मतलब एज अ ट्यूटर आप डाल सकते हैं दोस्तों। कई बार हमें कुछ लिखना पड़ता है, ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तभी हाईलाइटेड होता है। तो कवर लेटर अच्छा सा बनाएं, एक्सपीरियंस वाले के लिए भी एक कवर लेटर अच्छी सी होनी चाहिए। और कवर लेटर कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर चेक करें। अगली वैकेंसी दोस्तों हैदराबाद लोकेशन से ही होगी। अगेन स्कूल है नीलकंठ विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल, और ये इसकी लोकेशन हो जाएगी नियर रामोजी फिल्म सिटी। आने वाले सेशन के लिए है, CBSE स्कूल है। और यहाँ आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ग्रेड 5 to 12। टीचिंग स्टाफ में ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। नॉन टीचिंग में भी आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन, ट्यूटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो ट्यूटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट में फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है ऐसे पोस्ट के लिए। केयर टेकर, स्पोर्ट कोचेस, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, डाइनिंग मैनेजर और एंड ऑफिस बॉयज। तो डाइनिंग मैनेजर यानी कि मेस मैनेजर और ऑफिस बॉय। यहाँ पे अट्रैक्टिव सैलरी एंड पर्क्स, जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वो 14 से स्टार्ट हो रहा है, 26 तक चलेगा। टाइमिंग दी गई है 9 से 3 बजे के बीच में, स्कूल कैंपस में आपको अटेंड करना होगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, CV भेज सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है। अगली वैकेंसी आपकी दोस्तों उड़ीसा स्टेट से हो जाएगी, और स्कूल की जो नाम है वो SBD इंटरनेशनल स्कूल है। दो इसकी लोकेशन है, भद्रक और जजपुर। और वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया गया है। वैकेंसी जो आई हुई है वो देख सकते हैं, PGT कोऑर्डिनेटर, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए PGT की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह TGT और PRT में भी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वालिफाइड को करिकुलर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेज्यूमे लास्ट डेट 18 फरवरी से पहले भेजनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, या फिर आप बाय पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। सेकेंड क्लास TA भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा आउट ऑफ द स्टेट कैंडिडेट के लिए। अगर आप स्टेट से, कोई बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाएगा सेकेंड क्लास का। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों बिहार स्टेट से होगी, पटना से। स्कूल का नाम है पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल, CBSE स्कूल है ये। यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं, प्रिंसिपल की भी है, TGT और PRT में सारे सब्जेक्ट्स। नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन, म्यूजिक, डांस, PT, ऑफिस असिस्टेंट, योगा, रिसेप्शनिस्ट और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। यहाँ पे आपका डेट ऑफ इंटरव्यू आज ही कल का है दोस्तों, 13th, आज 12th है, कल का डेट दिया गया है संडे, और दो और डेट दिया गया है 14th और 15th का। तो टाइमिंग आप अलग अलग, कल के डेट पे आपको 9 से 5 बजे कोई भी टाइमिंग में जा सकते हैं, और बाकी जो डेट है उसमें आपको 2 से 6 बजे के बीच में जाना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दी गई है। अगली वैकेंसी ये पंजाब स्टेट से होगी, बरनाला डिस्ट्रिक्ट से। स्कूल है आपका ब्रॉडवे पब्लिक स्कूल। यहाँ वैकेंसी जो आई हुई है वो काउंसलर, स्टाफ नर्स, डांस टीचर, PGT में बायोलॉजी और कॉमर्स के लिए, TGT में इंग्लिश, मैथ, हिंदी, पंजाबी और सोशल के लिए। प्राइमरी टीचर्स की है रिक्वायरमेंट, स्पोर्ट टीचर की है। आपको यहाँ फैसिलिटीज़ में सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जाएगा आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाएगी अहमदगढ़, बरनाला और मलेरकोटला से। यहाँ पे ये तीन लोकेशन से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी। विद इन अ वीक अप्लाई करें, यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है। अगली वैकेंसी भी पंजाब स्टेट से ही होगी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर होगा, और यहाँ वैकेंसी जो है स्कूल द कैम्ब्रिज स्कूल के लिए होगी, CBSE स्कूल है। आने वाले सेशन के लिए वैकेंसी है, PGT में ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं, TGT और PRT में भी ऑल सब्जेक्ट्स। नर्सरी टीचर फीमेल वाले अप्लाई करें, फीमेल्स।
आपको यहाँ फैसिलिटी देखिए, यहाँ पे फ्री सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन 2 BHK का दिया जाएगा। CBSE स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाएगा मलेरकोटला, संगरूर और अमरगढ़ से। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है cambridgedhoori4@gmail.com, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों पुणे स्टेट सॉरी महाराष्ट्र स्टेट से हो जाएगी, पुणे लोकेशन से। स्कूल का नाम है कावेरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ वैकेंसी है टीचर्स में इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और मैथ के लिए। आपको यहाँ बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री BEd के साथ, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए BEd मैंडेटरी नहीं होगा। आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन, रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो कवर लेटर जैसा ही होता है, आप हैंड रिटन एक A4 शीट पे लिख सकते हो या फिर टाइप करके लिख सकते हो। एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी हो जाएगी 15 फरवरी की। ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। अगली वैकेंसी दोस्तों इसकी लोकेशन है हरियाणा की कैटिहाल। स्कूल जो है रेसिडेंशियल स्कूल है गुरुकुल तक्षशिला, और यहाँ पे बॉयज़ स्कूल है गुरुकुल तक्षशिला, ये बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल है। और यहाँ वैकेंसी PGT में देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, हिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिकल एडुकेशन, फाइन आर्ट, म्यूज़िक। TGT में मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, IT, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन। कोचेस में आपका यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, स्कूल और या फिर हॉस्टल सुपरवाइज़र। स्टाफ फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है IIT, JEE, नीट के लिए, प्रिपरेशंस के लिए भी है। NDA ट्रेनर। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल करना है अपना रेज्यूमे gurukul.career2021@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। फैसिलिटीज़ में आपको फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग दिया जाएगा और अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। अगली वैकेंसी दोस्तों ये साउथ इंडिया से हो जाएगी, तमिलनाडु से, तेरापंट जैन विद्यालय, MHSS। और ये आपका यहाँ पे वैकेंसी है टीचर्स की। PGT में मैथ, फिजिक्स, बायो, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। TGT में आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। प्राइमरी में मैथ और इंग्लिश। PET मेल या फीमेल और लैब असिस्टेंट। आपको यहाँ रिज्यूमे इस दिए गए ईमेल आईडी पे भेजना है। अगली वैकेंसी आपकी तमिलनाडु से ही होगी अगेन, और यहाँ पे जो लोकेशन है तमिलनाडु का, ये चेंगलपेट का लोकेशन है, स्कैड वर्ल्ड स्कूल। और यहाँ वैकेंसी है टीचर्स के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स में, और यहाँ 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, BEd कंपलसरी होगा। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है recruitment.cbsechengalpet@gmail.com। तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं, और यहाँ आपको बेनिफिट, सैलरी कॉम्पिटिटिव दी जाएगी, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी नेगोशिएट करना होता है दोस्तों। फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग जॉब में आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो स्टार्टिंग कितनी होगी। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कोई स्कूल, तो एक बार आप पता कर लें कि वही जो सैलरी है ये फ्रेशर्स के लिए सही है या फिर बहुत कम है। तो ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऑफर मना कर देते हैं सैलरी कम है कह करके, लेकिन आपको टीचिंग जॉब में सैलरी एक्चुअल में कितनी दी जाती है ये एक बार आप अच्छे से पता करें। अगली वैकेंसी आपकी अगेन तमिलनाडु से होगी, कथन कुलाथुर स्कूल है आपका, JRK ग्लोबल, JRK मैट्रिक, HSS। यहाँ पे ट्रेंड PGT टीचर की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश और म्यूज़िक में, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, मॉन्टेसरी ट्रेंड टीचर्स, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, हैंडलिंग सोशल साइंस फॉर क्लास 10, अकाउंट एंड कॉमर्स, और मैरिड फीमेल फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, एज बिलो 40 ईयर्स। आपको यहाँ बायोडाटा भेजना है jrkmgr1@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कोई ना कोई इसमें से आपको हेल्प ज़रूर हुई होगी अपने लोकेशन में, और रेगुलरली आप चेक करते रहें दोस्तों, प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करने से आपको अपनी स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी मिल जाएगी। और कमेंट पे ज़रूर बताएं कौन
कौन सी स्टेट से कवर करवाने की कोशिश कवर करवाना चाहेंगे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आने वाले अगले वीडियो में उसे कवर करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियोस में और भी टीचिंग जॉब अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अप्लाई करते रहें, और हमें दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहना है, टीचर्स को हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो मैं जब कमेंट देखती हूँ कि हमने इतना सारा ईमेल किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं भी एक टीचर हूँ दोस्तों, सभी के लाइफ में आपको स्ट्रगल तो करना ही है। और टीचर्स के जॉब में स्पेशली कॉन्टेक्ट जब तक आप पर्सनली नहीं करते हो, तब तक ईमेल के थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्स मिलना। और जो स्कूल दोस्तों आपको मैं आज बता रही हूँ, जो स्कूल आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर रहे हैं, 5 to 6 pages का यहाँ पे फॉर्म होता है, वैसे स्कूल में आपका अगर शॉर्टलिस्टेड होता है तो एक अच्छी प्रोसेस से फॉलो करता है। आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो एक ऑर्गेनाइज होता है। ईमेल के थ्रू आपको कॉल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि नोटिफाई नहीं हो। तो नोटिफाई कराने के लिए दोस्तों कॉन्टैक्ट करें, खुद ही आप कॉन्टैक्ट करें और सैलरी जो है अच्छे से नेगोशिएट करें अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं। और अभी कोविड के टाइम पे ज़्यादातर ऑनलाइन इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश करें। वॉक इन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें। अपना ख्याल रखें दोस्तों, धन्यवाद।